होनी चाहिए जो कि ऑब्वियसली इसको बताएगा कि जी सबसे पॉइंट हेडर कौन सा है, एक्सटेंशन हेडर लेंथ। सो नाउ वी हैव द लेंथ, ठीक है। तो एक्सटेंशन हेडर जो है वो वेरिएबल लेंथ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि जी किस टाइप का एक्सटेंशन हेडर है। एंड द एक्सटेंशन हेडर से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी, और फिर नेक्स्ट हेडर को आप प्रोसेस करेंगे। ये एक स्पेशल एक्सटेंशन हेडर है जिसको कहते हैं हाफ बाय हाफ हेडर, राइट। और इसको प्रोटोकॉल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इफ नेक्स्ट हेडर जो है वो प्रोटोकॉल जीरो, इट मींस कि द फॉलोइंग हेडर इज दी हाफ बाय हाफ हेडर। हाफ बाय हाफ हेडर जो है एज द नेम रिप्रेजेंट, ऑल द राउटर्स, इंटरमीडिएट राउटर्स विल प्रोसेस दिस हेडर। वो सिर्फ IPv4 के बेस, IPv6 के बेस हेडर को नहीं फॉलो करेंगे, दे विल लुक इनटू द हॉप बाय हॉप हेडर एज वेल, ठीक है। तो इस हेडर को, एक्सटेंशन हेडर को आप यूज कर सकते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए जो कि राउटर्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। और एक एग्जांपल कुड बी कि जी आप RSVP की इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि RSVP जो है हर एक मीडिया काउंटर जो है उसको प्रोसेस करेगा। तो दिस इज डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर, प्रोटोकॉल नंबर 60। इफ द बेस हेडर हैज नेक्स्ट हेडर हैज 60, इट्स गोइंग टू बी द डेस्टिनेशन हेडर, डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर, एक्सटेंशन हेडर दैट्स गोइंग टू फॉलो दैट। और डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर जो है, ये एक स्पेशल हेडर है जो कि IPv6 में ITF ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका मकसद जो है मोबाइल IP को फैसिलिटेट करना है। वी विल हैव अ सेशन आफ्टरवर्ड्स जिसमें आप मोबाइल IP को डिस्कस किया जाएगा, और ये हेडर उसमें यूज होगा, राइट। ओके, राउटिंग हेडर प्रोटोकॉल 43 इज राउटिंग हेडर। ये सोर्स राउटिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, राइट। ये जिस तरह भी मेरी डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह मेरी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस की, ठीक है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर के परस्पेक्टिव से स्केलेबिलिटी जो है उससे सिग्निफिकेंस कुछ और भी हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं कस्टमर के मैक एड्रेसेस कैरी कर रहा हूँ अपने पास हेड से, तो मेरे पास जो स्विच है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कस्टमर के मैक एड्रेसेस को अकोमोडेट कर सके, या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें मैं मैक एड्रेसेस नहीं अपने पास रखूं कस्टमर के, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर के परस्पेक्टिव से स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। 4096 VLANs में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं, अगर मेरे पास 4096 EVCs मैंने सेटअप कर दिए, और अगर सर्विस लेने के लिए कस्टमर आएगा तो मैं किस तरह हैंडल करूंगा, ठीक है। तो वो सारी जो स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से और सर्विस पार्टी के परस्पेक्टिव से दोनों पे एप्लीकेबल होती है। सर्विस पार्टी सर्विस भी ऑफर करेंगे, कस्टमर सर्विसेज नहीं करेंगे। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। प्रोवाइड करता है IPsec, दिस इज IPsec, दिस इज नथिंग न्यू इन IPv6, दिस पार्ट ऑफ IPsec, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द सोर्स, राइट। एंड देन यू हैव ESP, ESP protocol 50 है, same protocol number, and you have the next header will be the ESP header and it will have the information relevant for ESP. And again, there is no change within IPsec. In fact, IPsec was developed especially for IPv6, but its first implementation was in IPv4. So I'm not sure whether you are aware of that or not. Protocol 17 is UDP, right? So the next header will have UDP data. Again, UDP, this is the transport layer and it has the UDP checksum. So that's one of the reasons why they have removed checksum from the IPv6 header. ICMP, we'll discuss ICMP in detail because a lot of functions within IPv6 functionality is dependent on ICMP, right? So the concept is almost the same as we have in IPv4, but
but there are additional responsibilities that have been assigned to ICMP. And we'll see what are these functionalities. But again, ICMP is treated as an extension header within IPv6. So next topic is IPv6 addressing, and we will take a break here. And I think it's another thing that we'll reconvene at 2. And if there is a question, you can take it. आपने कहा यूडीपी और टीसीपी का आपका चेकसम होता है जो कि उसको करता है, बट व्हाट हैपेंस अगर वो हेडर के अपने बिट्स जो है वो करप्ट हो जाए? ओके, सो द क्वेश्चन इज कि जी ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेकसम मौजूद है, बट अगर हेडर लेयर 3 के ऊपर करप्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर का चेकसम है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है? अगर तो आपका टीसीपी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है डेटा के अंदर वो आप सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सके, ऑब्वियसली हेडर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट। तो अगर तो आपका आपका लेयर 3 में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बिट्स आगे पीछे हो जाती है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर को ऑब्वियसली करेक्टली फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। अगर तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो हेडर के साथ एसोसिएटेड है, और अपर लेयर विल डिसाइड कि जी मैंने इसको रिट्रांसमिट करना है कि नहीं करना, या अपर लेयर डिसाइड करेगी ट्रांसपोर्ट की, अगर टीसीपी है और अगर यूडीपी है तो एप्लीकेशन लेयर विल डिसाइड, ठीक है? बट जो लेयर 3 है, बेसिस ऑफ व्हिच दे विल डिसाइड, मतलब क्या इंफॉर्मेशन होगी उनके पास? टीसीपी की अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो उसमें सीक्वेंस नंबर्स मौजूद है, ठीक है? आपके पास एक हेडर आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 के ऊपर हेडर की इंफॉर्मेशन करेक्ट थी, राउटर जो टीसीपी जो स्टैक है वो उसको अपर लेयर पे फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, वेदर वो इन्फॉर्मेशन सही थी या नहीं थी, डिपेंडिंग ऑन यदि वो कितनी करप्ट थी इन्फॉर्मेशन, वो सक्सेसफुली उसको पास ऑन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, या वो उसको किसी हर सॉकेट की तरफ भेज देगा और वो पैकेट इवेंचुअली ऊपर नहीं पहुंचेगा। टीसीपी विल नो कि मेरे पास एक पैकेट नहीं आया जिसका सीक्वेंस नंबर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो रिट्रांसमिट करेगा उसको, ठीक है? अगर इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं थी, हो सकता है कि वो स्टैक को फॉरवर्ड कर दे सक्सेसफुली। प्रीफिक्सेस है राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको राउटर में इतनी मेमोरी चाहिए ताकि वो इसको हैंडल कर सके उन सारी प्रीफिक्सेस को, प्रोसेसिंग पावर चाहिए। अगर कोई एक प्रीफिक्स कोई नेटवर्क डाउन हो गया, प्रीफिक्स चेंज हो गई, इंटरनेट के सारे राउटर्स उसको प्रोसेस करेंगे। आप एक बीजीपी से प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो समराइज नहीं हो रही और बाकी सारी दुनिया के राउटिंग टेबल्स में उसको नजर आ रही है, आपका नेटवर्क का लिंक डाउन हो जाएगा, सारी दुनिया में जितने राउटर हैं उन सब ने उसे प्रोसेस करना है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए। 330,000 राउट हर कोई फ्लैप कर रहा होता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तो IPv6 में हम देखेंगे आगे के जो इन्होंने एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से आपकी जो IPv6 की प्रीफिक्सेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे आपका बता रहा था कि आज 2400 के करीब सिर्फ IPv6 की प्रीफिक्सेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि राउट्स बहुत या IPs बहुत कम है, IPs प्रॉब्ली काफी ज्यादा है। IPv4 से अभी जितने हैंडल हो रहे हैं उसको बहुत ज्यादा है IPv6, बट उसको एग्रीगेट करके उन्होंने कंप्रेस किया हुआ है उसके राउटिंग टेबल को, IPv6 को। कनेक्ट हो गया? ओके, तो आई होप कि आपको रिमोट साइड पे मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। अब ऐसा ही है? ओके, माइंड भी चली गई है। चले, ये IPv6 की प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? 16 बिट हेक्साडेसिमल सेमीकोलन, सब उसमें क्या आगे बहुत सारे जीरो हैं, राइट? कितने जीरो हैं ये आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं, 128 बिट की लेंथ है आपके पास, और स्लैश 48, इसका मतलब 48 बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके प्रीफिक्स को, ठीक है? ये हमने देख लिया जी, लीडिंग जीरो आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है? इस जीरो जीरो को आप ओमिट कर सकते हैं, ट्रांस दे सकते हैं, इस जीरो को नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो मैथमेटिक्स है। लूप बैक एड्रेसेस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? colon 1, ठीक है? कॉमन एक आईपी है, IPv6 का एड्रेस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है colon 1, ये लूप बैक को रिप्रेजेंट करता है। IPv4 में 127.0.0.1 है, ठीक है, जो लूप बैक एड्रेस है। इसका मतलब क्या होता है? ये मैं लोकली अगर कोई पैकेट 127.0.0.1 को भेजता है, ऐसा होता है कि वो स्टैक उसको लूप बैक कर देगा और वापिस भेज देगा ऊपर,
ठीक है, इसी तरह कोलन वाला आईपीवी 6 के अंदर सेम काम करेगा। अनस्पेसिफाइड एड्रेस अरेंज किया है, कोई आईपी नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोलन कोलन, सिंपलीफाई कर दिया राइट। तो अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस कब आप लगाते हैं, जब आप आपके पास आईपी नहीं है, खोज बूट किया, डीएससीपी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो सोर्स एड्रेस जो है अनस्पेसिफाइड होगा उसका राइट। और भी कुछ कामों में आप यूज कर सकते हैं इसको। IPv6 में ऑब्वियसली आप इंटरफेसेस को असाइन करते हैं, IPv6 में एड्रेसेस मल्टीपल आप एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। IPv6 में एड्रेसेस का स्कोप होता है, ठीक है, स्कोप किस तरह का हो सकता है, लिंक लोकल स्कोप हो सकता है। लिंक लोकल का मतलब यह है कि उस लेयर पे, उस सबनेट पे उसका स्कोप है, उस सबनेट से बाहर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता आईपी IPv6 में। यूनिक लोकल है विद इन अ कम्युनिटी उसका स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल नस्ट के अंदर जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं, लैन चल रहे हैं, उसका स्कोप जो है वो नस्ट हो सकता है, ठीक है, उसका स्कोप नस्ट से कनेक्टेड पान अगर है तो वो उसका स्कोप हो सकता है, आप डिफाइन करेंगे। ग्लोबल इज पब्लिक राइट, सारी दुनिया में वो आईपी जो है वो यूनिक होगा, ठीक है। और एड्रेसेस के साथ लाइफ टाइम भी होता है, ठीक है, वैलिड लाइफ टाइम आप डिफाइन करते हैं और प्रेफर्ड लाइफ टाइम भी होता है, ठीक है। ये स्पेशल एड्रेसेस है, और अगर आपका जो फर्स्ट 3 बिट्स है 128 बिट्स में वो 001 है, तो इसका मतलब ये है कि वो एग्रीगेटेबल ग्लोबल ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसका IPv4 में, ठीक है। तो अगर कोई हेक्स में 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर, तो वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। लिंक लोकल, जो लिंक लोकल हमने स्कोप डिस्कस किया था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये फर्स्ट 10 डिजिट से जो के हेक्स में होते हैं FE80, ठीक है, FE80:\10 का मतलब ये है कि दिस इज अ लिंक लोकल एड्रेस, ये एड्रेस सिर्फ उस लिंक पे एग्जिस्ट करेगा, उस लिंक के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यूनिक लोकल का स्कोप FC00:7 है, ठीक है, अगर कोई एड्रेस इससे स्टार्ट होगा तो वो /7 है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे IPv4 में कॉन्सेप्ट होता था कि जी क्लास ए क्या चीज है, क्लास बी क्या चीज है, क्लास सी एड्रेसेस क्या होते हैं। क्लासेस की फंक्शनलिटी CIDR ने खत्म कर दी थी राइट, CIDR ने कहा कोई क्लास नहीं है, क्लासलेस आईपीज है। क्वेश्चन सर, ये जो लिंक लोकल और लेवल की जो हायरार्की है, लिंक लोकल, जब भी आप किसी भी IPv6 इनेबल होस्ट में लिंक लोकल एड्रेस देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर कर लेता है, और चूंकि वो एड्रेस लिंक लोकल एड्रेस उस सेगमेंट से बाहर नहीं जाता तो वो यूनिक भी यूनिक होना उसका जरूरी नहीं है, ठीक है, उस लैन की हद तक वो यूनिक होना चाहिए, उसके बाहर एड्रेस नहीं करता और आपको वो किसी रजिस्ट्री से चाहिए भी नहीं। साइट लोकल का भी यही है, साइट लोकल के साथ भी यही है, ठीक है, साइट लोकल भी आपके चूंकि अंदर रहेगा और पब्लिक नहीं है तो इसलिए आपको रजिस्ट्री से नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 से जो स्टार्ट हो रहे नंबर, ये ग्लोबल एड्रेसेस है और ये यूनिक होने चाहिए ग्लोबली राइट। इसी तरह मल्टीकास्ट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं FF00:8। ये हम देखेंगे आगे, ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ क्या है मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट आपको आना जरूरी है, समझ में आना, क्योंकि IPv6 में मल्टीकास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और विल सी के किस तरह है। किस टाइप के एड्रेसेस है IPv6 में, यूनिकास्ट एड्रेसेस है, यूनिकास्ट 1-to-1 IPv4 में भी होता है, एनी मल्टीकास्ट IPv4 में भी होता है 1-to-many, ठीक है, एक सिलेक्टेड ग्रुप में। एनीकास्ट अगेन सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है IPv4 वाला, 1-to-1 होता है, बट वो 1 जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं और जो आपका क्लोजेस्ट है डेस्टिनेशन वो उसको एंटरटेन करेगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस IPv4 में होते हैं, IPv6 में नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है सर सवाल? DHCP की रिक्वेस्ट तो ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक आएगा अभी, पार्क पार्क करने का इंग्लिश क्वेश्चन। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस नहीं है IPv6 में, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस की क्या लिमिटेशन थी IPv4 में, सवाल क्यों खत्म कर दिया IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस? कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो वैन पे नहीं जाता, वो आपका लैन पे जाता था। ब्रॉडकास्ट जो रिक्वेस्ट थी वो आपकी लैन लिंक पे रहती थी, वो आपकी वैन पे नहीं जा रही थी, वो राउटर को स्टार्ट कर देता है।
इसमें क्योंकि आपके सारे आईपीज लाइव हैं,